50,000। बेईमानी नहीं सेठ, ईमानदारी से खेलिए। याद है आज से ठीक 20 बरस पहले ऐसी ही दिवाली की रात थी, ऐसा ही क्लब था। तुमने बिल्कुल इसी तरह बेईमानी करके एक पत्ता मिला लिया था और उस पत्ते ने एक बदनसीब को मौत के अंधेरे में धकेल दिया। याद है सेठ, उस आदमी का चेहरा याद है तुम्हें जिसके साथ तुमने बेईमानी की, जिसकी रकम तुमने धोखे से छीन ली, 50,000 रुपए। अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। देखो, मुझे गौर से देखो, मेरी आंखों में झांक कर देखो। समुंदर में डूबते हुए उन बेसहारों की परछाई अब भी तुम्हें इन आंखों में नजर आएगी, क्योंकि मैं कोई और नहीं, उसी बदनसीब का बेटा हूं। उनसे बदला लेने के लिए मैं 20 बरस से तड़प रहा था, आज तुम्हारे पास फिर वही 2 इक्के हैं और मेरे पास मैं बाजी जीत गया। राजा, यही है वो रेनू, यही है वो बेरहम शख्स जिसके लिए तुमने फैसला किया था कि ऐसे शख्स की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। वो शख्स तुम्हारे सामने ऐसी हालत में मौजूद है जिसका अपना कोई नहीं, न दौलत इसकी है न इज्जत इसकी है। आज तुम दंगाल हो, कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, वही रास्ता जिस पर कभी मेरा बाप गया था, मैं लौट कर नहीं आया। नहीं, नहीं, नहीं।